Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 12, Application of Trigonometry. और हम जो यानी कि triangle की जो type पढ़ रहे हैं, वो है oblique triangle. ठीक है? Oblique triangle के solution यानी कि उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उसका solution हम यानी कि find कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने पिछले तीन lectures में हमने law of sine, law of cosine और law of tangents हमने यानी कि देखा किस तरह से है, क्या-क्या formulas हैं, क्या-क्या laws हैं. ठीक है? उसी तरह से अब हम next यानी कि topic के ऊपर आते हैं. Next topic तो नहीं है, इस उसका सब topic ही हम कहेंगे कि half angle formulas. ठीक है? जिस तरह से sine का अलग से law था, टेंजेंट का अलग से लॉ, कॉस का अलग से लॉ, उसी तरह से हाफ फार्मूलाज जो हैं, हाफ एंगल फार्मूलाज, वो भी साइन के अलग हैं, कॉस के अलग हैं और टेंजेंट के अलग हैं. ठीक है? तो हम एक-एक करके उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे द साइन ऑफ हाफ द एंगल. ठीक है? साइन का जो है हाफ एंगल, sine of half the angle in terms of sides. अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने इन half angle formulas को in terms of sides देखना है, in terms of sides find करना है. ठीक है? तो सबसे पहले हम sine का देखने जा रहे हैं. तो वो क्या है? देखिए, आपने cosine का law देखा है, वो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है? यानी कि दो तीन lecture पहले हमने पढ़ा था, तो वो आपको याद होना चाहिए, वही हम यहां पर यूज करेंगे. ठीक है? उसके अलावा हाफ एंगल आइडेंटिटीज या हाफ एंगल फार्मूलाज आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं. ठीक है? वो भी आपको याद होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं साइन का यानी कि हाफ एंगल आइडेंटिटी या हाफ एंगल फार्मूला उसे कहें, मैं वो लिखने जा रहा हूं. वो है 2 sin स्क्वायर अल्फा / 2 is equal to किसके होता है? 1 minus cos of alpha के. ये आपने chapter number 10 में पढ़ा था, half angle identity इसको हमने शायद कहा था. ठीक है? ये half angle formula. तो इसकी मदद से हम sine का half angle in term of sides find करेंगे. ठीक है? तो इसमें हम use करेंगे किसका? law of cosine का. यहां पर आ रहा है ना cos alpha, तो आपको पता है cos alpha in जो है law of cosines में हमने देखा था के cos alpha किसके इक्वल हमने लिखा था, b square in terms of sides था ना, b square, b एक साइड है एक ट्रायंगल की और वो c square, c भी एक साइड है, उसके अलावा minus a square divided by 2bc. ठीक है? ये a, b और c जो है ये साइड्स हैं ओब्लिक ट्रायंगल्स की. ठीक है? तो ये हम यूज करेंगे इस फार्मूला में, इसकी जगह ये cos alpha की जगह. ठीक है? तो वो पुट कर देते हैं हम, तो ये बनेगा 2 sin square alpha / 2 is equal to 1 minus b square plus c square minus a square over 2bc. ठीक है? सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले half angle identity ली, उसमें हमने cos alpha की जगह हमने पुट कर दिया cos alpha की यानी कि law of cosine पुट कर दिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है? वो पुट कर दिया. उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे सिंपल. ठीक है? यानी कि इसका हम LCM ले सकते हैं ना, सिंपलीफाई के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं राइट हैंड साइड को देखें तो हम इसका LCM ले सकते हैं. LCM क्या आएगा? 2bc ही LCM आएगा. तो ये बन जाएगा 2bc minus b square plus c square minus a square. ये चीज बनती है. लेफ्ट साइड पे देखें तो वो हम उसको उसी तरह से रहने देते हैं, 2 sin स्क्वायर अल्फा / 2. ठीक है? अब हमने क्या करना है आगे مزید, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? देखें, अगर मैं इसमें से यानी के माइनस अगर कॉमन मैं ले लूं तो क्या बनेगा? उससे पहले देखें तो ये माइनस जो है उसके बाद हम यहां पर ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, क्योंकि माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है? तो ये साइन चेंज होंगे, वो बनेगा 2bc minus b square minus c square plus a square. ठीक है? ये साइंस पे इफेक्ट होता है उसका, इसलिए मैंने इसको थोड़ा करेक्शन दी. ठीक है?
करेक्शन कह लें आप इसको। अच्छा चलें, अब आगे क्या है कि हमने इसको यानी कि इसमें से पहली तीन टर्म्स में से माइनस कॉमन लेनी है। वो किस लिए लेना है कॉमन, वो हम उसका मैं मकसद उसका अभी बताता हूँ आपको पहले, ठीक है। पहले हम इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या बनता है, टू बी सी माइनस टू बी सी, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया बाहर तो ये माइनस टू बी सी बनेगा, प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और इसमें से तो हमने कॉमन ही लिया इसलिए हम इसको प्लस ए स्क्वेयर ही रहने देंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में वही टू बी सी। अच्छा, ये माइनस कॉमन क्यों लिया मैंने, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ फिर शायद आपको समझ आ जाए। माइनस बाहर कॉमन है तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू बी सी, बाकी टर्म्स उसी तरह से। देखें अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन चुका है, होल स्क्वेयर का फार्मूला बन चुका है, ठीक है, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि ये मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो ये होल स्क्वेयर का फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो ये इसको हम होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर, ठीक है, आगे बन गया ए स्क्वेयर और डिवाइड बाई टू बी सी उसी तरह से, ठीक है। तो ये देखें अब इसको मैं दोबारा से ए को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का, ये बी माइनस सी का होल स्क्वेयर है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, तो बी माइनस सी का ये होल स्क्वेयर बन गया और डिवाइडेड बाई में क्या टू बी सी, और साथ में ये माइनस साथ साथ आ रहा है, ठीक है, बल्कि ये माइनस तो हमने यहाँ पर लिख दिया ना, तो इस माइनस की ज़रूरत नहीं है अब। अच्छा, लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा था, लेफ्ट साइड पे आ रहा था टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाय टू, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको अब मज़ीद आप देखें, एक और फार्मूला यहाँ पर बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है आप मुझे बताइए। जी हाँ, ये देखें, ये ए का स्क्वेयर है, अगर इसको आप बी कंसिडर करते हैं पूरे टर्म को, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम वही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, और साथ में बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, होल डिवाइड बाई टू बी सी, और लेफ्ट साइड उसी तरह से टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाय टू। अच्छा, अब आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और बल्कि माइनस सी है ये, ए प्लस बी माइनस सी, और साथ में ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू बी सी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड जो है वो वही रहेगी, टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाय टू। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं और सपोजिशन कर लेता हूँ कि मैं ऐसा कहता हूँ कि लेट्स सपोज क्या हम लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स का जो सम है उसको मैं कहता हूँ टू एस के इक्वल है, ठीक है, ये बस आप इसको सपोज कर लें, तीनों साइड्स यानी कि ट्राइंगल जो है वो ब्लीक ट्राइंगल, उनका तीनों साइड्स का सम जो है वो इक्वल हमने सपोज कर लिया टू एस के, ठीक है। तो अब यहां पर इसको इससे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो वो किस तरह से होगा, अब मैंने a प्लस बी माइनस सी की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 2s की फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह से मैं लिखूंगा, अगर मैं a प्लस बी इस सेट पर तो c सेट पर लिया 2s माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखना है ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस साइड पे मैं माइनस करूंगा तो इस साइड पे भी मुझे माइनस करना पड़ेगा सी को, ठीक है। तो ये बनेगा ए प्लस बी माइनस सी, और राइट साइड पे भी टू एस माइनस सी पहले से मौजूद है, इसमें मजीद माइनस सी कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी सब्ट्रैक्ट किया सी को, यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सी को, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बना, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू टू एस माइनस टू सी, मतलब कि यहाँ से हम 2 कॉमन लें अगर, तो ये बनता है 2 इंटू एस माइनस सी, किसके इक्वल है, a प्लस बी माइनस सी के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है a प्लस बी माइनस सी, यानी कि इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं 2 इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इसी तरह से a माइनस बी प्लस सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
वो भी हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसी से फाइंड करते हैं। ये है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एस है। तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि हमने तो देखना है हमारी टर्म क्या, ए माइनस बी प्लस सी। तो यानी कि ए प्लस सी को मैं इधर रहने देता हूँ, ए प्लस सी इज इक्वल टू टू एस माइनस बी हो गया, और क्या है माइनस बी हो रहा है ना यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस, तो ए ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू एस माइनस बी, क्योंकि दोनों साइड पे मैंने ये b को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये a माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, टू एस माइनस टू बी। इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू एस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू एस माइनस बी। अच्छा, ये दोनों जो हैं हम यूज़ करेंगे, एक तो हमने ये यूज़ करना है, ठीक है, और एक ये हमने यूज़ करना है इनकी जगह। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस सी इंटू, बल्कि साथ में 2 भी है, तो 2 इंटू एस माइनस बी। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, डिनोमिनेटर में 2bc मौजूद है, 2bc। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड पे आप देखें 2 आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, इसको भी हम राइट साइड पे ले आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 बन जाएगा ये, 4 इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय 4bc। ये 4bc कैसे बन गया, लेफ्ट साइड से मैं 2 लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बन गया साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 4s माइनस सी इंटू एस माइनस बी और 4bc। तो ये 4 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास बन गया टर्म साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय bc। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो मैं अगर लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट आपको पता है प्लस माइनस होता है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होते हैं। तो हमने इस केस में क्या किया, अल्फ़ा बाय 2 हमने कंडीशन रख लेते हैं, अल्फ़ा बाय 2 जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है एंगल जो होगा ना, यानी कि ओब्लिक ट्रायंगल का। तो एंगल हमने कहा कि अल्फ़ा बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ चुका है साइन का, हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ठीक है, ये हम जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, द साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, आप उस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी क्या बनेगा, साइन ऑफ अल्फा बाय 2 हमने देखा ना, तो साइन ऑफ इसी तरह से बीटा बाय 2 भी होगा, साइन ऑफ बीटा बाय 2। आप खुद से ये ट्राई कीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इस चीज़ की समझ भी आ जाएगी। तो एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय सी ए का स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वन जो है साइन का हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स, वो है साइन ऑफ गैमा बाय 2। ठीक है, गैमा बाय 2 इज इक्वल टू बनता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये तीनों जो है हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइंस हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा हाफ एंगल्स, ये भी यूज होगा इसके सॉल्यूशन में,
ये ओब्लिक ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन में, तो ये हमने देखा, ये सबसे पहले तो हमने क्या लिया, हाफ एंगल आइडेंटिटी ली, ठीक है, और उसमें हमने लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ किया, ठीक है, और लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन के यानी कि साइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स हमने लिया, साइड्स किसकी, ओब्लिक ट्रायंगल की साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब कोसाइन के हाफ एंगल देखेंगे, ठीक है, और साथ में टेंजेंट के हाफ एंगल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ।